प्यारे बच्चों, पिछले पार्ट में हमने अमराज की मुख्तलिफ किस्मों के बारे में मालूमात हासिल की। अब इसके बाद हम अमराज की दूसरी किस्म वजूहात के लिहाज से अमराज और उसके अंदर इक्तसाबी अमराज और इक्तसाबी अमराज को दो किस्मों में तकसीम किया गया है, मुतैदी अमराज और गैर मुतैदी अमराज, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इक्तसाबी अमराज की पहली किस्म मुतैदी अमराज। मुतैदी अमराज ऐसे अमराज जो आलूदा हवा, पानी, गिजा या मर्ज बरदार हशरात यानी खुर्दबीनी जानदार, बैक्टीरिया, काई, फफूंद वगैरह की वजह से ऐसे अमराज जो है फैलते हैं, ऐसे अमराज को मुतैदी अमराज कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम मुतैदी अमराज की किस्मों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहली किस्म मुतैदी अमराज की दग, टीबी, जिसको ट्यूबरक्लोसिस भी या टीबी कहते हैं। ये किस वजह से फैलती है? तो प्यारे बच्चों, ये जरासीम माइक्टेरियम ट्यूबरक्यूली नाम के जरासीम से फैलती है। अब इसका तादीदिया का वास्ता मरीज के थूक, हवा के जरिए फैलाव, तवील अरसे मरीज के रक्त में रहना, मरीज की चीज इस्तेमाल करना, इस तरह से इसका जो है फैला होता है। अब इसकी अलामत क्या है? तो तवील अरसे तक खांसी आना, थूक के साथ खून आना, वजन में कमी होना, तनफ्फुस के अमल में तकलीफ होना, ये इसकी चंद अलामत है। इसी तरह इसकी इस्तेदाद और इलाज क्या है, इसकी किस तरह से इस्तेदाद कर सकते हैं, इस्तेदादी तदाबीर क्या है, प्रिवेंशन क्या है? तो सबसे पहले BCG का टीका ले, मरीज को दूसरों से दूर रखे, पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करे और डॉट इलाज बाज़ाब्ता तरीके से पूरा करें। मुतैदी अमराज की दूसरी किस्म यरकान हेपेटाइटिस। ये जिस वजह से फैलता है, ये वायरस हेपेटाइटिस A, B, C, D और E इस के जरिए फैलता है। तादुदी के वास्ता ये पानी के जरिए मरीजों के लिए इस्तेमाल की हुई सुइयां और खून की मुंतकिली की वजह से फैलता है। इसी तरह इसकी अलामत क्या होती है? इसमें भूख की कमी महसूस होती है, पेशाब गहरा जर्द यानी पीला होता है, थकान होती है, मतली आना, कह खाकिस्तरी रंग की इजाबत इसमें होती है। इसी तरह इस्तेदाद और इलाज, इसमें क्या जो है एहतियाती तदाबीर बरती जा सकती है और हम इलाज किस तरह कर सकते हैं? पानी उबाल और छान कर पिए, इसी तरह ज़रूरत से फारिग होने के बाद हाथ जो है पहले और बाद में हाथ साबुन से धोए। मुतैदी अमराज की तीसरी किस्म पेचिस डायरिया। डायरिया जिस वजह से फैलता है, उसमें ये जरासीम वायरस शगीला बेसिलस एंटा अमीबा एस्टोलिटिका इन जानदारों के जरिए फैलता है। इसका तादीदिया का वास्ता जो है आलूदा गिजा और आलूदा पानी अगर हमारे इस्तेमाल में आती है तो इस वजह से ये फैलता है। अच्छा, इसकी अलामत क्या क्या है? इसकी अलामत है पेट दर्द, पानी जैसे पतले जुल्लाब बिल्कुल होते हैं इसके अंदर। इसी तरह इसकी इस्तेदाद और इलाज, गिजा को ढाक कर रखे, पानी उबाल कर पिए, इसी तरह पानी को छान कर पिए और ORS का महलूल इस्तेमाल करें। प्यारे बच्चों, आइए अब हम म्यादी बुखार टाइफाइड के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। टाइफाइड जिस जरासीम के जरिए फैलता है उसको साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये मर्ज जो है तो फैलता है। इसका तादुदी के वास्ता क्या है? आलूदा गिजा और आलूदा पानी की वजह से ये फैलता है। इसकी अलामत क्या जाहिर होती है? भूख में कमी, सरदर्द, मतली आना, पेट पर दाने, इसहाल, और इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, तकरीबन 104 फेवरान तक बुखार होता है। इसका इस्तेदाद और तदाबीर क्या कर सकते हैं हम लोग? तो ठीक है, देखेंगे हम कि साफ़ सुथरा पानी जरासीम से पाक पानी पिए, पानी
उबाल कर पिए, टीका लगवाए, गंदे पानी का मुनासिब तरीके से निकासी करें।